है वहां पे तो फ्रेश। एक मिनट, वहां पे अच्छा ये शोभा फार्म्स करके है। चलो 2 2 किलोमीटर है सर। हाँ वही थे जेजे ब्रो, वही थे। ये गौरांग हो गया, गौरांग बोले थे। हिंदी में मिले देखिए उसके सॉन्ग में पता है बाकी सॉन्ग है क्या। फोटो करो पसंद मुझे, बस है हिंदी। हाँ फोटो करो। नहीं हिंदी नहीं है। हाँ वो तो बंगाली वैसे भी है ना, देवनागरी से थे। व्हाट्सएप में भेजा हुआ है तो देख लीजिए, जिनको जिनको व्हाट्सएप पे एक्सेस है, और बाजू वाले के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। गौरांगा बोलते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयनी गुमीरा। औरंगाबोलते हवे पुलक शरीरा, हरी हरी बोली थे नयन में कबीरा। हरी हरी बोली और कबरी भाई चंद्र संसार कब तुच्छ आर कबगी छंद कोरोना होई रे संसार बसोरा कब तुझ होई कोरोना होई रे संसार बसोरा। ईश्वर छड़िया गवे जुदा हवे मोना, कवे हाम है पिवो श्री विद्यावन। ईश्वर छड़िया गवे जुदा हवे मोना, अब हम हरि को श्री वृंदावी कब हम जागो से जुगल।
रूप रघुनाथ पड़े रह पोरा समा दर्शन करो ये सदा नरो समदास रूप रह मोरा दर्शन करो गौरा बोली ते हवे तुलक शरीरा हरि हरि बोली ते चंद्र कोरोना संसार कब हम उजाबे जुगल रूप रघुनाथ पदे रह मोरा आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा रूप ठाकुर नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतपे श्रीमते भक्ति Thank you.
Hare
नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति चक्रपाकमहं वंदे श्री गुरु दीनतां हरे कृष्णा सभी का स्वागत है सरोवर की भगवत कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता की 12वें अध्याय से। इसके पहले कि हम चर्चा को आरंभ करें तो हमने भजन गाया, इसका आप देखेंगे किसी को हिंदी में है नहीं ना मराठी में बताओ हिंदी में पैसेज वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरे समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएं। कब मेरा मन भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा। कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊं। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी षड गोस्वामी वृंद के चरण दर्शन के लिए
कब मैं व्याकुल हो उठूंगा, कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम प्रेम या प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं, श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी सदा आशा बनी रहे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की तो 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। पिछले बार कौन सा श्लोक चर्चा किया था? 10 माने बस, तो 10 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। 12वां अध्याय सबसे बड़ा भोग है। अभ्यासोपि असमर्थोऽसि अकर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथ एतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रित सर्वकर्मफलत्यागम् ततकुरु यतात्मवन् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्विष्ट सर्वभूतानां मैत्रकरुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी एतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितो मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय यस्मान्नोद्विजयेत् लोको लोकान्नोद्विजते सः हर्षामर्ष भवोद्वेगये तु ये स च मे प्रिय अतपेक्ष सुचिरतक्ष उदासीन गतगथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समय प्रिय जो नो रिष्यति न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये स प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्यनिन्दा स्थिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिति चिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नर येतु धर्मामृतम् इदम् यतोक्तं परुपासते श्रद्धयान मत परमा भक्तास्ते अतीवे मे प्रिय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछली बार क्या चर्चा किया था? और वो आप हम क्या आप भी भूल गए होंगे, 15 दिन पहले कैसे याद कर सकते हैं? आप अपेक्षा ही कैसे करते हैं? आप बड़े सकाम करनी होगी होगी।
छोड़ दो, रिजल्ट को पैक कर दो, जिस दिन सिखा दिया उसने छोड़ दिया। अपने फलों को त्याग करना सीखो प्रभु। ओके, क्या सीखा था हमने? भौतिकवादी और भक्तों के बारे में सुना। सेंटर में सिखा दे। तभी हम सीख रहे हैं कि आठवें श्लोक से बारहवें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के अलग अलग स्तर स्तर होते हैं। तो आठवां स्तर क्या है? आठवें श्लोक का स्तर क्या है? भगवान का अपेक्षा। वेरी गुड, बहुत सुंदर है वो। और बारहवां श्लोक क्या है? भगवान की दया, इच्छा नहीं, अपेक्षा दया से भी, अपेक्षा और इच्छा से भी भगवान, बट दया कि भगवान चाहते हैं हम आठ पे रहे, बट हम कहाँ फिसल गए, बारह तक फिसल गए, है ना। तो आठवें श्लोक का मथित अर्थ क्या है? कि हम मन किस में लगाएं? भगवान को। क्या बोलते हैं? स्मरण आत्मिका भक्ति, मतलब हमेशा स्मरण किसका हो रहा है? भगवान। मई एवं मन आदत स्व, मन में हमेशा कृष्ण भगवान का ही स्मरण हो रहा है। और उसी में लिखा है मनन आत्मिका भक्ति। अब अगर उसका चौथा लाइन देखेंगे, सही है ना, आठवें श्लोक मई बुद्धि निवेश, दूसरा लाइन मई एवं मन आदत, मतलब मन में सोच रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं भगवान। और उसी श्लोक में सेकंड लाइन में बोल रहे हैं मई बुद्धि निवेश, मतलब क्या कर रहे हैं? बुद्धि को किसमें निवेश कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। दोनों में फर्क क्या है? मन में, मन को लगाना, और भगवान बुद्धि में लगाना, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं? कौन सा वाला आसान है, मन लगाना कि बुद्धि लगाना? अब हमारा तो दोनों ही डिफिकल्ट है, क्या पूछ रहे हो? मन इजी है, मन एकदम कंट्रोल में, मन मुश्किल है। क्यों? चंचल बहुत है मन। और दूसरा है, ये जो किसकी बात कर रहे हैं ना, स्मरण आत्मिका, मतलब क्या, ये जैसे किसी का किसी में मन लगता है तो वो जोर जबरदस्ती लगाता है कि अपने आप लगता है? अपने आप लगता है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जैसे किसी को प्रसाद अगर खिलाया, उसको बहुत अच्छा लगता है प्रसाद, तो उसको बोलना पड़ेगा खा, तो खाएगा ही ना, मन लगा के खाएगा, तुम कितना भी उसको डिस्टर्ब करो। जैसे एक बार भीम गया था, एक पूरा बकेट नहीं, कांट लेके गया था प्रसाद, किसके लिए? बकासुर के लिए लेके गया, और वो मस्त खा रहा था, और बकासुर के पीछे से गुद्दा मार रहा है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वो मन लगा के खा रहा हूँ। भीम तो हमेशा ही मन लगा के खाता है, इसलिए उसको पसंद भी होता है। तो मन लगाना मतलब क्या? वॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब हम इच्छा से करते हैं। और बुद्धि वाला क्या काम है? प्रयास, खुद से प्रयास करते हैं, है ना। बुद्धि क्या करते हैं? खुद से प्रयास करते हैं। और मन वाला क्या है? वॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस, ऐसे है। अरे विजय समझ, अभी ऑनलाइन भी थी, ये भी सर्वगत है आप तो। मैं इसके लिए वेट करती पर मुझे। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? अभी आठवें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझमें मन लगाओ। पहले भी बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, फिर भी हमारा मन नहीं लगता। तो मन में ना भो मत भक्तो मध्याज मा मनस करो, ये बोल चुके हैं, ऐसे बहुत बार बोला। तो मन लगाना ज्यादा डिफिकल्ट है। स्मरण आत्मिका भक्ति, और दूसरा है मनन आत्मिका। मनन मतलब क्या? कंटेम्पलेट करना। स्मरण और मनन का फर्क है, क्या फर्क है स्मरण और मनन में? खुसर खुसर मत करो, जोर से बोलो। मनन मतलब मग्न होना, और ये मतलब क्या? मनन मतलब मग्न होना, और फिर ये क्या? स्मरण क्या है? याद करना, स्मरण याद करना, सोचना, और स्मरण करना। याद कर, नहीं वो तो बात पर, पहले सुनेंगे फिर उसको प्रोसेस करेंगे फिर मनन करेंगे। इसका मतलब क्या है? मंथन जैसा ही, मन में मंथन। हाँ, मंथन करना, कि इसका मतलब क्या है, और फिर अपने उसके बाद फिर स्टेप होता है अपने जीवन में उतार। तो मनन मतलब भी एक तरह से सोचना ही है,
बट बुद्धि को यूज करके प्लान करके सोचते हैं हम लोग। अभी मैं क्या करता हूँ, प्रभु जी ने सिखाया ना ये श्लोक, मैं सोचता हूँ। पर मन लगाना मतलब क्या, घर में जाते हो तो इमीडिएट टीवी लगाना, मतलब मन से लग गया ना। बुद्धि से थोड़ी प्लान करते हो चलो आज जाके टीवी लगाएंगे, नहीं मन में आके टीवी लगा लिया। समझ गया आप डिफरेंस, समझ गया ना। मन करना मतलब कि स्पॉन्टेनियस है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, नेचुरली आता है। अभी जैसे अनिल प्रभु लेके गए, कहीं पानी दिख गया तो कूद जाएंगे, उनको बोलना नहीं पड़ेगा अनिल प्रभु आप पानी दिख गया, कूद ही मारो, स्पॉन्टेनियसली कूद जाएंगे। उनको पकड़ना पड़ता होगा, पकड़ो प्रभु रुको अभी स्विमिंग ड्रेस नहीं लाए। या जो डांस सीख रहे होते हैं, हमने देखा कभी उनको, वो कहीं भी उधर इधर ऐसे ऐसे कर चालू कर देते हो, उनको बोलना नहीं पड़ता है ना। तो बातों बातों में, जैसे मेरी छोटी लड़की है ना हमारी, तो एक रूम से दूसरे रूम में डांस करते करते जाती है तो वो मन से कर रही है ना, उसको कोई बोलता नहीं कि तुम करो, तो उसको बोलते मन में, मन से करना, आप समझ रहे हैं। तो स्मरण मतलब, स्मरण मतलब याद करना है, और मनन मतलब सोचना है। तो कौन सा स्पॉन्टेनियस है, माइंड वाला स्पॉन्टेनियस, स्मरण करना स्पॉन्टेनियस, अपने आप से आना चाहिए मन। और मनन मतलब आप प्लान करके करते हो कि ये करना है मुझे। जैसे भक्ति में भी दो दो प्रकार होते हैं, रागानुगा भक्ति और साधना भक्ति। रागानुगा मतलब क्या, मतलब स्पॉन्टेनियस भक्ति, और साधना भक्ति मतलब क्या, सुबह उठ गए लो भाई सुबह हो गई अब जपा करना ही है, प्रभु जी ने बोला सलाम अल्लाह करना है, वो भी बोला 7 बजे के अंदर अल्लाह करना पड़ेगा क्या। पर स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, उठते ही चालू हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, वो मतलब क्या स्पॉन्टेनियस, रागान हो गए बोलने की जरूरत नहीं ऐसे। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है कि आपका मन लग रहा है, आपको हमेशा भगवान की याद आ रही है, हाईएस्ट लेवल। उसके नीचे है मनन आत्मिका, मतलब आप सोच के करते हो ठीक है अभी क्या करूंगा, ना मेरे पास एक घंटा है, जैसे अभी मैं योगा के लिए जाता हूँ घुटने के प्रॉब्लम के लिए, घुटने के प्रॉब्लम सॉरी लैपटॉप का प्रॉब्लम नहीं कर रहा हाँ अच्छा चला क्योंकि वो रिबूट कर देने गर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि अभी मुझे क्लास देना था उस दिन फ्राइडे को, अब टाइम ही नहीं मिल रहा था, थर्सडे को गया मैं, बोला बोला एक घंटा मुझे क्या होता है वो लेटना होता है, ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे करके लेटना होता है, कर क्या करना है अभी है ना। तो मैंने क्या किया, एक मिनट कॉल कर रहा है, हरे कृष्ण हाँ योगा के लिए जाता हूँ ना, तो एक घंटा लेटना होता है पैर ऊपर करके ऐसा कुछ तो कर लिया, वो बता नहीं सकता कैसे क्या करना है। तो अंदर के जो मसल्स है ना उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो कुछ मेरे पास था नहीं है, क्या 2-3 दिन मैंने लेक्चर सुनने का ट्राई किया, वो शीशर में बोला कि प्रोडक्ट बंद कर तो फिर मैं मनन करने लगे अभी जो श्लोका के ऊपर बोलना है ना। अब कुछ है नहीं तो मनन करते करते बहुत सारे विचार आते हैं कि ये बोलना है वो बोलना है वगैरह, है ना। तो उसको बोलते मनन, क्योंकि मैंने प्लान किया, स्पॉन्टेनियस नहीं था, हर रोज नहीं आता वो विचार, प्लान के इसलिए वो मरण हो गया। स्मरण मतलब क्या, स्पॉन्टेनियसली। अब राधा रानी को प्लान नहीं करना पड़ता कि कृष्ण के बारे में सोचना है, वो तो हमेशा ही सोचती है। मैंने आपको एक बार एक उदाहरण दिया था, आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं वापस देता हूँ। एक बार एक साधु जंगल से जा रहा था, तो संध्या का समय हो गया 6 बजे पे, अभी हम लोग भी करेंगे, मैं वशिष्ठ प्रभु और माता जी अंदर जाके गायत्री करेंगे 7 बजे तो संध्या का समय हो गया, तो रास्ते के कोने में बैठ गया और गायत्री करने लग गया एक जगह बैठ के। तो क्या हो गया, उतने में एक लड़की भागती भागती गई, और जैसे भाग रही थी वो, उसका पैर इनको लग गया है ना, और फिर वो रुकी भी नहीं, वैसे ही भाग गई। ये संध्या करा तो उसने सोचा कि भाई क्या है, कैसी लड़की थी, बिल्कुल सॉरी भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, भाग गया। फिर एक आध घंटे के बाद यहीं बैठे थे वो, मनन कर रहे थे, तो वही लड़की उस डायरेक्शन से वापस आई, और उसने उनको देखा कि नमस्कार वगैरह किया, दंडवत किया, बोला कि साधु जी आप यहाँ पे बैठे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।
अचंभित हो जुड़वा थोड़ी सीता और गीता। तो बोला कि मुझे एक प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले घंटा पहले तुम गई भागते भागते गई और मुझे तुमने ठोकर मारा, तुम रुकी भी नहीं और अभी वापस आ रही हो इतने प्रेम से बात कर रही हो, क्या माजरा क्या है, है? नहीं, सेम अच्छा हो गया माजरा वाजरा बोलने लगे। तो वो लड़की बोलेगी अरे सो बहुत मैं बहुत माफी चाहती हूँ कि मैंने मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं जब वो भाग रही थी तो मैं अपने प्रेयकर से मिलने के लिए आ गई तो मुझे कोई होश नहीं था, सिर्फ मेरे नजरों के सामने कौन था, मेरा प्रेयकर। पर अभी मैं मिल के आ रही हूँ तो अभी मैं फ्री हूँ, माइंड मेरा फ्री है ना, तो इसलिए मैं शुद्ध में हूँ, शुद्ध में बोलते शुद्ध में बोलता शुद्ध में होश में हूँ, शुद्ध भी नहीं शुद्ध भी नहीं होश में, तभी मैं होश में हूँ और अभी मैं जान गई कि क्या ऐसे ऐसे। तो जब भाग रही थी तो कौन सी अवस्था में थी, वो स्मरण अवस्था, उसको दूसरा कुछ नहीं सोच रहा था, कोई भी आए बीच में उसको सिर्फ अपना प्रेयकर दिख रहा था, बट आने से आते समय उसको कोई माइंड फ्री था, तो समझ ऐसे। तो ये चल रहा है, ये है आठवां श्लोक, ये सबसे हाईएस्ट है भक्ति में, सबसे हाईएस्ट है। तो हमें ये स्टेज पे जाना है कि जहाँ पे मन हमारा हमेशा कृष्ण में लगा रहे। अभी हमारा मन कहाँ लगा रहता है, हजार चीजों में लगा रहता है, ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है, एक जगह नहीं स्थिर होता है, उसको वहां पे लगाना है ऐसे। अभी नौवां श्लोक क्या बोल रहा है, अभ्यास करो तुम, है ना, क्या करो, अभ्यास योग है। अभ्यास मतलब क्या, ठीक है मन नहीं लग रहा बुद्धि नहीं लग रहा, बट प्रयत्न करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने बोला था ना कि 12 सेकंड अगर होल्ड करके रखे तो उसको एक धारणा बोलते हैं, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो कि मन लगाए, मन अगर भटके वापस उसको खींच ला, भटके वापस खींच ला, तो ये प्रैक्टिस करना, मन लगाने का ही प्रैक्टिस करना, तो साधना भक्ति बोलो, अभ्यास योग या साधना भक्ति ऐसे। और ये गुरु के डायरेक्शन में किया जाता है, खुद से नहीं कर सकते, अपने आप से करेंगे तो कुछ और ही अभ्यास हो जाएगा, है ऐसे। तो अब तक आठवें और नौवें श्लोक में हमने देखा था कि अंदरूनी इंद्रियों को हम यूज कर रहे हैं, कौन सी अंदरूनी इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये दोनों अंदरूनी इंद्रियां, और बाहरी इंद्रियां कौन सी है, नहीं बाहरी ज्ञानेन्द्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी, कौन सी होती, जैसे आंख है कान है नाक है वगैरह, वो सारे इंद्रियों को बाहरी इंद्रियों। तो अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं दसवें श्लोक में कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो मतलब क्या, कृष्ण को सेंटर में रखिए, कौन सा काम हमें अच्छा लगता है, कृष्ण को अच्छा लगता है, हाँ जो कृष्ण चाहते वही, हमको अच्छा लगने वाला नहीं, कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही काम करना, मतलब कृष्ण के लिए काम करना, जैसे भूख वितरण करना है, प्रसाद बनाना, प्रसाद वितरण करना, यही कृष्ण का काम है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं काम करूंगा अपना जो भी बट फल दूंगा भगवान, तो वो दूसरा वाला नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है ना। तो ये दसवां स्टेज, अगर तुम मुझ में मन भी नहीं लगा सकते तो क्या करो, मेरे लिए काम करो ऐसे। तो ये हो गया मत कर्म परमो भव ऐसे। अब ग्यारहवा बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, काम तुमको जो करना है करो, हाँ पर फल मुझे दो, मतलब तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे नहीं कि काला धंधा करो अगर फल लेके आओगे, है ना, जो रेगुलेशन में है वही वही काम करना है, बट फल किसको देना है, भगवान को, मतलब क्या करना है, डोनेशन देना है, घर में अल्टर रखना है, भगवान के लिए कुछ पैसे देने को, है ना, इधर अपने घर पे या मंदिर में जाके पैसे को, ये ग्यारहवा होगा, मतलब अगर भगवान, अच्छा इसमें दोनों में से कौन सा डिफिकल्ट है, कृष्ण के लिए काम करना डिफिकल्ट है, कृष्ण के लिए पैसे देना डिफिकल्ट है, पैसे देना डिफिकल्ट है, कितने को लगता है कि पैसे देना डिफिकल्ट है, हाथ ऊपर को, एक दो, अनिल प्रभु नहीं लगते देंगे ऊपर से, पैसे देना डिफिकल्ट है और कृष्ण के लिए काम करना डिफिकल्ट नहीं, कृष्ण के लिए काम करना डिफिकल्ट है, टाइम निकालने की बात नहीं है उसमें, बेसिकली जो रेगुलेशन में वही करना है आपको, आपको अगर आईटी का जॉब है तो आईटी का जॉब क्यों नहीं होता है उसमें, कृष्ण के लिए मतलब होता है थोड़ा बहुत, पर इतना ही होता है, इसका मतलब है कि जो कृष्ण की पसंद है वही करना है। अब कृष्ण बोल सकते कि 24 घंटे जपा करो, कर सकते क्या, नहीं कर सकते, पर अगर बोले कि ठीक है प्रभु जी मुझे महीने में 50,000 मिलते हैं उसमें से मैं 5,000 दूंगा तो ज्यादा डिफिकल्टी दे सकता,
क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा था उसमें से पैसे मिल रहे ना, सिर्फ देना तो है मुझे, क्योंकि जब आप कृष्ण के लिए काम करो तो सारी इंद्रियों को लगाना है, सारी एनर्जी देनी है, ऐसे तो वो डिफिकल्ट है ना। इसलिए बोल रहे कि अगर आप मेरे लिए काम नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए आपके रिजल्ट दे दो, जो भी फल मिल रहा है वो दे दो, ऐसे 11 वाला। अब 12 वाला जो है, सारे आपके जो इंद्रिय है सारे फोकस करो अभी, ये सबसे डिफिकल्ट श्लोक है। अब मैं प्रयत्न करूंगा बताने के लिए, इतने को समझ में आएगा पता नहीं, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको पहले पढ़ लेते श्लोका को, देखो अब आप अच्छे से ध्यान दो श्लोका की तरफ। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, हिंदी में पढ़े श्रेय का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ही मतलब क्या है? निश्चय ही। ज्ञानम ज्ञान, बराबर। अभ्यासाच अभ्यास से, है ना। अभी पहला सेंटेंस पढ़िए माता जी, हिंदी है ना, पहला सेंटेंस पढ़िए, ट्रांसलेशन कर दो, समझ मन में नहीं करना है। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, कौन से अभ्यास की बात कर रहे हैं? ये श्रवण के अभ्यास की बात कर रहे हैं, उसके अभ्यास की बात कर रहे हैं, फिर कौन से अभ्यास की बात कर रहे हैं? भगवान के लिए कार्य करना, मन लगाना। अभी आप सीक्वेंस देखो ना, आप डायरेक्टली 8 पे पहुंच गए, सीक्वेंस क्या श्लोक का? देखो 8वां श्लोक क्या बोल रहा है, मुझ में मन लगाओ या बुद्धि लगाओ, बराबर है। अगर वो नहीं कर सकते तो क्या करना है? साधना भक्ति करो, अभ्यास करो, बराबर है। 9वां श्लोक 10वें में क्या बोल रहा है? वो भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम नहीं कर सकते तो 11वें में क्या बोल रहे हैं? फल दे दो। अभी उसके बाद अगर बोल रहे श्रेयो ज्ञानम अभ्यासार्थ, कौन से अभ्यास की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, रेस लोग की तरफ देख के बोल रहे, हमें तिरमत मार। कहा लिखा है अभ्यासो भी असमर्थो ही, 10वें श्लोक में देखो क्या लिखा है, अभ्यास ही अपि असमर्थो ही, करेक्ट। उसके पहले देखो 9वें श्लोक में लिखा है, 9वें वाले में क्या क्या अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या है? 9वें के थर्ड लाइन में देखो, अभ्यास योगे न ततो, उसका मीनिंग देखो, अभ्यास का क्या है? हाँ, यहाँ पे क्या बोला है? साधना भक्ति करो, मतलब क्या साधना भक्ति करो? मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी? साधना भक्ति कर रहे हैं, मतलब क्या? नियमों का पालन करो, जपा करो, लेक्चर सुनो, आरती करो, ये साधना हो गई, है ना, नियम के अंदर काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए? ज्ञान की उपासना करो, बराबर। अब तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, अब ज्ञान बोले ध्यान भी बोले, विशिष्यते का मतलब क्या लिखा है? विशिष्ट समझा जाता है, उच्च श्रेणी, करेक्ट। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, अभी ट्रांसलेशन पढ़ी हिंदी में सेकंड लाइन, ज्ञान से बढ़ के क्या है? ध्यान है। ज्ञान से बढ़ के ध्यान है, मतलब क्या? ज्ञान से बढ़कर ध्यान, मतलब क्या? बेटर है ज्ञान से, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बेटर देन नॉलेज हाउएवर इज मेडिटेशन बोल रहे हैं। तो ज्ञान से ऊपर क्या है? ध्यान, अष्टांग योग, ध्यान कर रहा भगवान, समझ गए? अब तक समझ गए? किसी को नहीं समझे अब तक? ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं? ध्यानात् कर्म फल त्यागास, ध्यान से ऊपर क्या है? कर्म फल त्याग। तो ध्यान से भी बेटर क्या है? कर्म फल त्याग, समझ गया? अब लास्ट लाइन पढ़ते, त्यागात् शांतिर अनंतरम, क्या बोल रहे हैं? त्याग करने से क्या होगी? शांति होगी। ये संस्कृत समझ के सब लोग, अब इसमें प्रॉब्लम क्या बताता हूँ। अच्छा, आप ये काम करो, एक आपको क्लास वर्क देता हूँ, होमवर्क तो नहीं, ओके, पहले कुछ समझाना पड़ेगा उसके बाद क्लास वर्क हो सकता है। वापिस से 8वें श्लोक पे जाओ, ठीक है। अब 8वें में क्या लिखा है? कि मुझ में मन लगाओ,
या बुद्धि लगा, ठीक है। अब अगर मन नहीं लगा सकते, बुद्धि नहीं लगा सकते, तो नौवे में क्या बोला है, साधना भक्ति करो, करेक्ट। अब साधना भक्ति नहीं कर सकते तो दसवें में क्या बोला है, मेरे लिए काम करो। अब ग्यारहवें में बोल रहे हैं मेरे लिए काम नहीं कर सकते, मेरे लिए फल त्याग करो, बोला ना फल त्याग करो, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो ज्ञान से ज्यादा, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते, तो दसवां वाला श्लोक वाला है या नौवें श्लोक वाला है, साधना भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करो, ज्ञान की उपासना करो, करेक्ट। और अगर तुम ज्ञान की उपासना नहीं कर सकते तो ध्यान करो, सॉरी ज्ञान से बेटर ध्यान है, ठीक है। और ध्यान ध्यान के बाद क्या आता है, कर्म फल त्याग। तो अगर तुम ध्यान भी नहीं कर सकते तो उससे ज्यादा बेटर क्या है, कर्म फल त्याग। अभी इसको अच्छे से पढ़ो चारों श्लोकों के ट्रांसलेशन को, और देखो कि कहीं गड़बड़ लग रही है आपको ये क्लास वर्क। आठ से दस तक, हाँ सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ो, उसका परफेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ बट आपको मिलता है कि देखते हैं, ऑनलाइन के भक्त भी देख सकते हैं। कुछ काम चल रहा है, पुनः चलो चलो बता रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर, अभी पूछ रहे कौन सा स्टॉल दे, किसको समझ में आया, आपको स्पेशल अवार्ड दूंगा मैं, पर ये उनका अवार्ड लाना भूल गया, मैं आज निकाल के रखा था, आई ना माता जी श्रवण की मम्मा, और वो नहीं अनुपम प्रभु, मैंने निकाल के रखा पर फिर भूल गया, कितना भूल करूंगा। पर ये अगर आप बता पाए तो आपको मैं अगली बार पक्का आवाज दूंगा। क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया, विधि विधान का पालन करते हुए भक्ति अगर इससे ज्यादा आसान है, और ये ज्ञान वाला कठिन, गड़बड़ है कुछ लोग, जैसे लगता है गड़बड़ है बट है नहीं गड़बड़, पर गड़बड़ लगता है, देखो जरा अच्छे से देखोगे तो पड़ जाएगा। आप करो उसका फल मेरे लिए छोड़ो, कुछ भी काम करो जो भी फल जो आएगा वो मेरे लिए छोड़ो, ऐसा पहले चार श्लोक में बता रहे, लेकिन अंतिम श्लोक में कैसा बता रहे भगवान, वो काम छोड़ता ही आता है श्रेष्ठ करके बता रहे। हाँ देखो बताइए बस, कितनों को समझ में आएगा, पहली बात कितनों को समझ में आएगी, क्या बोल रही माता जी, वापस बता रहे हैं है ना, आप वापस उसको विजुलाइज करो, देखो आठवें श्लोक में बोला है कि तुम क्या करो,
मुझ में मन लगाओ ये हाईएस्ट है, फिर बुद्धि लगाओ उससे ज्यादा हाईएस्ट कम है, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं अभ्यास करो मतलब साधना भक्ति करो, यहाँ तो ठीक गड़बड़ नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं मेरे लिए काम करो, वो भी ठीक है, अगर वो भी पॉसिबल है तो क्या करो फल त्याग करो। ठीक है, अभी समझ में आ गया, अब इस पे हाईलाइट करो फल त्याग मतलब क्या, कि तुम काम करो कोई भी बट फलों का त्याग करो। ठीक है, अब ये पांचे लेवल में करेक्ट। अब छठे लेवल में क्या बोल रहे हैं, अगर अभ्यास नहीं कर साधना भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करना है, कर्म ही रहे, ज्ञान बोला ज्ञान की उपासना करो, मतलब क्या भगवत गीता पढ़ो भागवतम पढ़ो और ज्ञान बढ़ाओ तुम्हारा, क्योंकि तुम साधना भक्ति नहीं कर पा रहे, सिर्फ बुक्स पढ़ो ऐसे बोलो, है ना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो ध्यान करो। ठीक है, बुक्स नहीं पढ़ सकते बोलोगे कि ढ हो तुम, एक जगह बैठ के ध्यान करो वो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। तो सातवां लेवल हो गया। अब सातवें लेवल की बात क्या बोल रहे हैं, देखो थर्ड लेवल में थर्ड लाइन में ध्यानात कर्म फल त्यागास, अगर ध्यान भी पॉसिबल नहीं है तो फल त्याग करो। अभी तो पांचवें लेवल पे तो बोल देते फल त्याग करो, वो हाईएस्ट लेवल नीचे कैसे आ गए, समझ में आ गया। कितने को समझ में नहीं आया हाथ ऊपर, कोई बात नहीं मैं वापस समझाऊंगी, डिफिकल्ट है हाँ, तो सही में समझ में तो हाथ ऊपर करो, ऐसे ही मत करो, आठवें से बारहवें जो श्लोक में जो भी क्रोनोलॉजी है तो उसमें ऐसा है कि जो कर्म फलों का परित्याग कर दे तो वो क्या सर्वश्रेष्ठ है क्या सर? नहीं नहीं सर्वश्रेष्ठ नहीं, आप लेवल में देखो उसमें पहले ऑप्शन दिए उन्होंने चार, ये नहीं तो ये करो ये नहीं तो ये, उसके बाद उसका उन्होंने एक के बाद एक ये बताया है कि कौन सा क्या श्रेष्ठ है। लास्ट में कहा कि कर्म फल का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ नहीं बोला है, सर्वश्रेष्ठ कहीं नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला है देखो आप बारहवें श्लोक में तीसरा लाइन देखो, ध्यानात कर्म फल त्यागास, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखो, ध्यान करने से भी बेहतर क्या है फल त्याग। हाँ ध्यान करने से बेटर सबसे सर्वश्रेष्ठ, वो भी है पर पहले तो बोल दिया नहीं फल त्याग करो, पहले लिख लेता हूँ अभी ऑनलाइन करने के शांति चाहिए तो आपको दो गिफ्ट मिलेंगे बहुत अच्छे। देखो अभी 8 ए में क्या बोला है कि इसको इंग्लिश में लिखो चले माइंड लगाओ, ठीक है मन लगाओ। 8 बी में बोला है इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर 9 में क्या बोला है अभ्यास मतलब साधना, ठीक है यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा। 10वें में क्या बोला है वर्क फॉर कृष्णा, करेक्ट कृष्ण के लिए काम करो। 11वें क्या बोला है फल त्याग, तो यहाँ पे मैं फल त्याग लिखता हूँ, ठीक है फल त्याग। अभी 12वें को मैं तीन हाफ में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 12वां ए जो है वो क्या बोल रहे हैं श्रेय ही ज्ञान अभ्यास, तो अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान करो, ज्ञान बोल रहे कि अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान इज ग्रेटर देन अभ्यास। और 12वां बी में बोल रहे कि ठीक है ज्ञान नहीं कर सकते तुम ध्यान करो, तो ज्ञान इज लेस देन ज्ञान। अभी ये 12 सी वाला वो भी नहीं कर सकते तो हाँ, कभी तुम ज्ञान भी नहीं कर सकते ध्यान भी नहीं कर सकते तो क्या करो त्याग करो। अभी तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ 11 वाले को, अब दिखाऊंगा आपको चिंता मत करो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तो इंग्लिश में क्या लिखा है उसका, बेटर देन मेडिटेशन इज प्रोनाउंसिएशन, बोल रहे हैं ध्यान से बेटर फल त्याग बेटर नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम फिर फल त्याग करो। यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, If one cannot do meditation, then one can renounce the results. ऐसे बोलता है। इसका मतलब है कि वो
छोटा कर दिया उसको एक तरह से, ध्यान को बड़ा बड़ा कर दिया। हाँ तो नेक्स्ट वाला काम है, उसके पहले दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑनलाइन का दिखेगा, सबको दिख रहा है। ए में क्या लिखा है, मन को लगा। बी में क्या लिखा है, बुद्धि। सी में, नाइन में क्या लिखा है, साधना भक्ति। ठीक है, दसवीं में क्या लिखा है, कृष्ण के लिए काम कर रहा है। अभी ग्यारहवा एकदम ध्यान से देखो क्या लिखा है, फल त्याग कर रहा है, मतलब क्या जो मुझे मिल रहा है उसको त्याग कर रहा है, करेक्ट। अब बारह में क्या लिखा है, बारह ए में, अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते, मतलब साधना भक्ति नहीं कर सकते, नौवे वाला, ठीक है, नौवे वाला नहीं कर सकते तो क्या करो, ज्ञान को कल्टीवेट करो, समझ गए, मतलब ज्ञान ज्ञान बढ़ाओ तुम्हारा खुद का आध्यात्मिक ज्ञान। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ध्यान करो, उसके मन लगाओ, और अगर मन भी नहीं लगा सकते तो फल त्याग करो। तो ग्यारहवें ग्यारहवें श्लोक में बोला फल त्याग, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब समझते ना क्या होती है, बड़े से छोटा, ऊपर वाला जो है सबसे बड़ा है, नीचे वाला सबसे छोटा है, पर इधर उल्टा पुल्टा कर दिया ना, समझ ना, अभी अभी कितनों के समझ में नहीं आया, अभी भी मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। थर्ड लाइन, अच्छा वो समझ में नहीं आया, ओके वो बताता हूँ, ठीक है, इसको भी रख रहा हूँ। देखो बारह में जो ज्ञान है ना, ज्ञान मतलब सिर्फ किताबें पढ़, जपा नहीं करना, मंदिर में नहीं जाना, वो मतलब ज्ञान, उसमें उसमें कुछ साधना नहीं कर रहा है, सिर्फ ज्ञान बटोर रहा है, सिर्फ सुनना है, ऐसे अगर यहाँ पे कोई लेक्चर के लिए आता है या बुक्स पढ़ता है सिर्फ, बट साधना नहीं करता, जपा नहीं करता, कुछ नहीं करता, मुझे सिर्फ बुक्स पढ़ना, सिर्फ ज्ञान बटा, वो है ज्ञान, ठीक है, मतलब भक्ति ये वो करते हैं, और उसका और एक अर्थ होता है जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, सबको समझ में आ गया, विजय तो मतलब अगर आपको चाहिए तो आगे आ जाइए, आपको दिख नहीं रहे तो आ जाइए, हाँ आपकी आंखें मतलब ईगल की तरह यहाँ से दिख रहे हैं आपको, अच्छा अच्छा आगे आगे, कुर्सी लेके आ गया, स्टूल लेके आ गया, मधुरा के मुझे में जगह है दिख रही हूँ, मधुरा मुझे कहाँ है जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर नहीं समझे तो फिर वो सात आठ लोग नहीं समझे, पता तो ये समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, ज्ञान करो, ये उल्टा हो गया, अभ्यास उल्टा हो गया, अभ्यास बड़ा है ना, ये बड़ा हो गया, ऐसे होता ना बड़ा, मतलब ये वाला बड़ा, मैथमेटिक्स में ये बड़ा होता है, शवन को बताया ना, शवन खुश हो गया, कुछ तो मैथ्स दिख लिया, फिर अगर तुम ज्ञान भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ध्यान करो, मतलब ध्यान करो मतलब क्या, मेडिटेशन करना है, बुक नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, साधना भक्ति नहीं करनी, कुछ बैठे बैठे सिर्फ कृष्ण भगवान के ऊपर मनन करना बस, हाँ ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, तुम अगर ध्यान भी नहीं कर सकते तो फल त्याग करो, तो फल तक कहा लिखा था, ऊपर लिखा था, और इस लैडर में फल ये कहाँ पे, ध्यान नीचे है सबसे, है ना, फिर ऐसा क्यों बोल रहे कि तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, फल त्याग मतलब पता है ना, फल त्याग मतलब काम करो और जो भी उसका फल मिले उसको त्याग करो, जो लिखा है ऊपर, हाँ अपेक्षा मत करो, त्याग कर दो उसको, ये कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, तो ये गड़बड़ कैसे कैसे, अभी कितनों को नहीं समझाया, अभी भी समझा सकता हूँ, सबको अभी समझ में आ गया, जैसे आपका अगर आपने जॉब किया आपको 50,000 रुपए मिल गया मंथ महीने के, उसमें से 25% भगवान के लिए देना, आप इधर मंदिर में डोनेशन दो या घर का मंदिर के लिए, जैसे अभी इन्होंने कितना अच्छे सजाया है तो उसके लिए खर्च करना, अल्टर बनाना, उनके लिए भोग चढ़ाना, जैसे अभी ये प्रोग्राम करते हैं हर हफ्ते, तो उनको लक्ष्मी लगता है तो वो करना मतलब भगवान के लिए कर, फलों का त्याग कर, क्योंकि वो फलों का त्याग करना भी आसान नहीं है, मारवाड़ी को कुछ कर्म फल सिर्फ पैसे ही नहीं, सब कुछ, हाँ बट मोटा मोटा हम पैसे की बात कर रहे हैं, बट सब कुछ होता है फल त्याग कर, तो जनरली जो भगवान ने बोला है ना कि तुम फल की अपेक्षा मत, कर्मण्येवाधि कारस्ते, वो होता है कर्म फल त्याग कर, ठीक है, गड़बड़ समझ में आ गया,
गड़बड़ लग रहा है? इसमें तो गड़बड़ नहीं लगता। क्यों? भगवान ने पहला बोला है अभ्यास करो, साधना। अगर वो नहीं हो रहा था कि वांटेड साधना भक्ति कर लो करके बोल रहा है, अगर नहीं हो रहा था देन ही गोज फॉर नेक्स्ट स्टेप, ज्ञान का टेक कर लो, वर्क कर लो। अगर ज्ञान भी नहीं कर पा रहे तो देन ध्यान कर लो, देन ही गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेप। देन अगर ध्यान नहीं कर पा रहे तो कर्म को कर्म का फल त्याग कर लो। ही इज गोइंग नेट लास्ट कर्म फल त्याग। बट ऊपर दिखाएंगे नहीं, बट 12.8 जो है ना, 1 और 8 एंड नेक्स्ट इज साधना, थर्ड इज कर्म फल एंड लास्ट इज देयर आल्सो कर्म फल त्याग कर। वही तो बोल रहा हूं, पहले क्या बोला उन्होंने कि साधना नहीं कर सकते तो काम करो मेरे लिए, अगर काम नहीं कर सकते तो फल त्याग करो। इसका मतलब फल त्याग कौन से लाइन में आता है? 1, 2, 3, 4, 5 पे आता है। आपका ध्यान जो है, ज्ञान जो है वो छठे पे आता है, ध्यान सातवें में आता है और आठवें में भी फल त्याग लिख रहे, तो ये गड़बड़ नहीं दिख रहा अभी, दिख रहा? ऊपर भी बोल रहे फल त्याग करो, यहाँ भी बोल फल फल त्याग करो, 11वें 12वें दोनों में, इसलिए इसलिए प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। बस गैप्टिंग तो फल त्याग दिख रहा है और बातें सेम ही दिख रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ, पहले आप प्रॉब्लम समझो, सॉल्यूशन मत लाओ, सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रॉब्लम समझ में आके दिख पाए, समझ में आ रहा है आपको? दो जगह लिखा है और उसका सीक्वेंस गड़बड़ है। क्लैरिटी किस चीज की है? नहीं, सेम ही समझो आप ना, अभी सेम समझो, सेम ही बोल रहे हैं, उसमें कोई परपट पे लिखा नहीं अलग है सब कुछ की, इसका इसमें फर्क क्या? अभी समझ में आ गया? अब जितना प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट है उसके उससे सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए ध्यान से सुना, पूरा आपका जो इंद्रियों का इधर ही है ना, ये फोकस करो, ये मत सोचो आज शाम को जाके मैं क्या करूंगा, मत सोचो अभी प्रसाद के लिए क्या बनाया, मत सोचो अभी, पूरा लक्ष्य केंद्रित करो। हाँ ठीक है, रेडी? प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? वापस किया और एक बार बताऊ, आगे समझ, ठीक है? अभी देखते हैं, अभी क्या है, इस श्लोक के ऊपर 12 आचार्यों ने अलग अलग कॉमेंट लिखे, 12 के आचार्यों की सब सुन ली, तो हम अभी सिर्फ 3 आचार्यों के देखने वाले हैं, जिससे हमें समझ में आ सकता है कि ये ऐसा क्यों बोला गया। क्योंकि संस्कृत जो होता है ना, संस्कृत जब कोई शब्द आता है उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक ही नहीं होता है ना, जैसे हम वाटर को वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें वाटर का मतलब पानी है ना, पर संस्कृत में एक शब्द का मीनिंग अलग हो सकता है ना। तो हम देखते हैं अभी कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, ठीक है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये जो 8A है, ये वाला है ना, उसको बोलते हैं स्मरण आत्मिका भक्ति, फिर 8B मतलब बुद्धि वाले को बोलते हैं मनन आत्मिका, ये मैंने बताया, ठीक है? अब ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये कनेक्टेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? साधना भक्ति को साधना भक्ति बोलते हैं, अभ्यास रूप भक्ति बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अभी जब विश्वनाथ चक्रवर्ती जो बोलते हैं 8A में, ये जो है मन का, ये है स्मरण आत्मिका भक्ति, मतलब मन को यूज करना, करेक्ट? अब 8B में बोल रहे हैं मनन आत्मिका, मतलब बुद्धि यूज करना है, ठीक है? अब ये तो आसान है, साधना भक्ति मतलब अभ्यास रूप भक्ति, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। 10वें में भगवान के लिए काम करना है तो सिंपल, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, और 11वें में निष्काम कर्म, सब कर त्याग करो। अब वो बोल रहे हैं कि जब हम ये बोल रहे हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, श्रेयो मतलब क्या, श्रेष्ठ है ना, तो यहाँ पे जो श्रेष्ठ लिखा गया है, ये जो ज्ञान है, अभी 12A में हम लोग, ये ज्ञान मतलब ये ज्ञान जो है वो ये है ज्ञान, मनन आत्मिका भक्ति है, ओके? तो इसकी सूचना चक्र आगे बोलते हैं कि ये ज्ञान उपासना मतलब मनन आत्मिका बोलते, तो बोल रहे हैं अगर क्या बोला आपका ट्रांसलेशन पढ़ी ऊपर हिंदी में 12A, यदि हम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाए। अगर साधना भक्ति नहीं कर सकते हो तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में नहीं, सॉरी उल्टा बोला, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि
ज्ञान मतलब मनन आत्मिका मुक्ति, तो वो अभ्यास योग से ज्यादा बेटर है। जो बराबर है आप, ये अभ्यास योग क्या पे आ रहा है? नीचे आ रहा है, ठीक है, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कितनों को समझ में आ गया? एक दो को, तीन चार पांच, मतलब को समझ नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल दोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, वही शब्दों में घूम रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान अभ्यास। देखो मनन आत्मिका भक्ति मतलब क्या? मनन, हाँ, मनन आत्मिका मतलब क्या? बुद्धि यूज करके भगवान को याद करना, कंटेंट स्मर, आप जो बोल रहे हो स्मरण आत्मिका है ना। मनन मतलब इसलिए कहा ना, इंटेलिजेंस, बुद्धि यूज करके भगवान के लिए प्लान करना है कुछ, कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, भोगा बनाऊंगी भगवान के लिए, ये क्या हो गया? बुद्धि यूज करके प्लान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। रिविजन नहीं, यहाँ पे सिर्फ कोई बुक पढ़ के वो रिविजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली बुद्धि का यूज करके कोई कार्य किया जा रहा है ना। वो भी है, कंटेम्पलेशन भी है, बट वो एक पार्ट है, मतलब कंडीशनल सोचना कि हाँ आज 12वां श्लोक होता है प्रभु, क्या इसका मतलब है, ये है रिवीजन, रिवीजन है, बट नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ कुछ प्लान करना ऐसे भी, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मनन आत्मिका भक्ति मतलब कोई बुद्धि का यूज करके कोई प्लान करना कि ये मैं करूंगा वो मैं करूंगा ऐसे, हाँ। और स्मरण आत्मिका मतलब क्या, मैंने जैसे बताया कि मन में भगवान के बारे में हमेशा सोचना, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली करना पड़ता है। मतलब स्फूर्ति से, तो कई लोग होते हैं स्फूर्ति से उनको कविता याद आती है, तो स्फूर्ति से करना उसको बोलते हैं। स्मरण आत्मिका ज्यादा मन से होती है, मतलब स्फूर्ति से होती है, ये ज्यादा बड़ी है इससे, ठीक है, अभी समझ में आ गया ध्यान। तो अभी यहाँ पे जो 12 ए में ध्यान बोला गया है, वो ज्ञान, सिर्फ ज्ञान की उपासना नहीं करना, पर ज्ञान का यूज करके कोई कार्य कर, जो यहाँ पे बोला गया है मनन आत्मिका। तो इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि ये जो ज्ञान लिखा है अभी, वो अभ्यास से, सॉरी अभ्यास से बेटर, ऐसा। अभी अगला देखते हैं 12 बी, बैक बी में क्या लिखा है, ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते। ज्ञाना हिंदी में पढ़ी क्या लिखा है? ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से आगे अगला एक एक करके उसका। यहाँ पे विश्वनाथ चक्र तक बोलते हैं कि ध्यान मतलब स्मरण आत्मिका भक्ति इज बेटर देन ज्ञान, ये इससे बेटर है, ऐसे बोल रहे हैं, तो बराबर है, हमने वैसे ही देखा है ना, ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया सबको अब तक। जो ध्यान की बात कर रहे हैं इसमें कृष्ण भगवान, वो ध्यान सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं, कृष्ण के ऊपर लगातार मेडिटेशन कर, स्वरूप के ऊपर हमेशा कंटिन्यूस मेडिटेशन कर, उसकी बात कर रहे हैं, वो स्मरणात्मिका बोलते हैं। पर कंटिन्यू जपा, मतलब जपा में क्या होता है कि हमारा मन इधर उधर भटकता है, पर इसमें भटकते नहीं, हमारा डायरेक्ट कृष्ण के ऊपर फोकस होता है, ऐसे समाधि, जैसे कोई मूवी चल रहा है, थ्रिलर मूवी चल रहा है या सस्पेंस मूवी चल रहा है, ये ऐसे ही समझ में आएगा। तो आप अगर ऐसे मूवी देख रहे हो, आंखें ऐसे बड़ी करके जगन्नाथ जी की, जैसे है ना, और बड़े स्क्रीन पे टीवी चल रहा है, और अभी सस्पेंस पता ही चलने वाला है, आपका अगर फोन आता है तो क्या करेंगे आप? आपको पता भी नहीं चलेगा फोन आया था, या आएगा तो बोले कट कर दो, पहले इसको देख लो किसने खून किया, देख लो तो उसका मतलब क्या, आपका पूरा एनर्जी किसमें है, वो टीवी के अंदर है। जैसे मेरे पापा है, वो जब टीवी देखते हैं ना, तो मूवी देखते थे पहले की बात, तो वो मूवी के अंदर घुस जाते थे, जैसे विलन अगर वो हीरोइन के पीछे पीछे भाग रहा है, तो वो हीरोइन को बोलते भाग भाग, जैसे कि वो टीवी से आवाज जाने वाला और हीरोइन सुन के भागने वाली है, तो वो मूवी के अंदर घुसे पूरी तरह से, अंदर घुसना उसको बोलते हैं स्मरणात्मिका। तो उसको, उनको पता नहीं है, पूरी तरह उसमें घुसे हो, मार चला
क्या तो क्या है हाँ वो श्रवण बोलता है अभी आरसीबी नीचे तो मारो बोलता है विराट विराट कोहली कौन है अभी आरसीबी में विराट कोहली ऐसे हमारा स्तर है ना बाबा वो जो याद करते हैं उनका स्तर बहुत ऊपर का होता है उनको अलग से जपा नहीं करना पड़ता है उनके मन में कृष्ण चलते रहते जब रघुनाथ दास गोस्वामी बैठते थे जपा करने के लिए वो फिजिकली इधर बैठते थे उनका आत्मा उधर आध्यात्मिक जगत में घूमता था वो हमारा स्तर नहीं हमारा मन घूमता है इधर उधर जपा में करते हैं सिर्फ समझना है आपने ठीक है समझ गया अभी तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन तो एक आचार्य का कहना है एक्चुअली भगवद गीता जो है ना ये बहुत क्या बोलते हैं गाढ़ी है गाढ़ी जैसे होता है ना कि रबड़ी होती है रबड़ी रबड़ी डेंस कंडेंस होता है ना तो वो कंडेंस चीज अगर तुम खाओगे बहुत सारा रबड़ी खाओगे क्या होगा श्रवण खराब हो जाएगा है ना तो कंडेंस चीज को समझने के लिए उसको बहुत मैच्योरिटी लगती है तो हम नहीं समझ पाएंगे तो आचार्य जब पढ़ते तो वो समझ सकते हैं इसका ऐसा नहीं ऐसे मतलब तो बहुत क्योंकि 700 श्लोक में पूरा तत्व बताया ना कि तुमको जीवन में करना क्या है इतना आसान थोड़ी इतने बड़े बड़े किताब लिखे लोगों ने कुछ भी लिख के है ना पर यहाँ पे तत्व बताया 700 श्लोक में तो उसका मर्म समझना इतना आसान नहीं है इसलिए आचार्य लोग ही चाहिए जो पूरी तरह से उसको समझ चुके हैं ऐसे ठीक है तो अभी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञाना ध्यान विशिष्यति मतलब ध्यान जो है मतलब स्मरण आत्मिका भक्ति हाँ ये मरण आत्मिका से ज्यादा बेटर है इसका यहाँ पे ऐसे बोला गया अब आगे बोल रहे देखो ध्यानात कर्म फल त्याग तो विस्मय चक्र आगे बोलते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है अरे भगवान पे हम ध्यान कर रहे हैं हा? बहुत साल से ध्यान कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं भगवान को जपा आपके बारे में पूछ रहा हूँ मेरे बारे में थोड़ी पूछ रहे आप कितने साल से जपा कर रही हैं मधुरा कब से कर रही मामा जपा 3 साल हो गए 5 साल हो गए 21 से कर कोरोना 20 में आया था 4 साल हो गए 3 या 4 साल हो गए तो अभी आप जब से जपा कर रहे हैं कोई भौतिक चीज से आपको अनासक्ति हो गई कौन सी चीज से टीवी छोड़ दिया टीवी छोड़ दिया ना इतना बड़ा काम है हाँ आसान नहीं है टीवी छोड़ना ना तो क्या हो गया अभी जपा कर क्यों छोड़ा मत जपने तो आपका भी कोई सीरियल में इंटरेस्ट नहीं कोई डांस में इंटरेस्ट नहीं कोई भी बहुत ही चीजों की बात है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपको क्या हुआ उसका मतलब ध्यान करने से क्या हुआ हाँ इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे ध्यानात कर्म फल त्याग इसका त्याग किया अभी कर्म फल का अभी ये कर्म फल ही है ना माता जी को कर्म करनी है जो बुरे कर्म है टीवी देखना बुरा होता है बार बार बोलना पड़ता है तो त्याग हो गया अब माता जी ने कुछ डेलिबरेट नहीं किया फोर्सफुली किया जपा करते करते अपने आप खो गया अभी जैसे जब हम रोज प्रसाद लेते हैं और जपा करते हैं तो कुछ सालों के बाद अभी नहीं बोल रहा हूँ आपको रेस्टोरेंट में खाने के अच्छा नहीं लगेगा अगर आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो लगता है कि पेट भर के बाद मन नहीं भरा कितना कैसे होता है खाद ऊपर तो हाँ मतलब आप लोग अच्छा से जपा कर रहे है ना तो कि रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है कभी कभी बट खाने के बाद लगता है कि पता नहीं कुछ मजा नहीं आया और वही थोड़ा सा खिचड़ी अगर इस्कॉन में खाए तो मन भर जाता है ऐसे अब आप लोगों को कैरामल खीर नहीं खाइए मंदिर में कैरामल खीर होती है बनाते हैं पहली बार बताया था आपको इसलिए बता रहा कि मंदिर आएंगे उसी बहाने आप लोग मंदिर आएंगे है ना तो वो कैरामेल खाने के बाद लगता है कि अमृत क्या होता है ये समझ में आता है कल की भी खीर अच्छी थी स्वीट राइस कैरामेल स्वीट राइस कैरामेल खीर
और एक बनता है फिरनी बोलते हैं उसको, इन्होंने इसको फिरनी पी या खाई नहीं, आपका आधा जिंदगी वेस्ट है भाग गए पूरा ही वेस्ट है। अभी हम काउंसलर मीटिंग रखेंगे ना उसमें बना बोलेंगे उनको कैरामेल की फिरनी बनाओ, आपने खाई ना उसमें बहुत अच्छा होता है आपको नेक्स्ट काउंसलर मीटिंग में रखेंगे तो पूरा 100% अटेंडेंस रहेगा। नहीं मतलब एक्चुअली वो खाओ तो लगता है कि एक ही इतना पहले में क्यों दिया है ऐसा लगता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हायर टेस्ट मिलता है परम दृष्टवा निवर्तते, जो लोअर टेस्ट है अपने आप खराब होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा भी नहीं होगी, आपको टीवी देखने की मूवी देखने की इच्छा भी नहीं होगी क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया ना, लोअर टेस्ट की जरूरत क्या है ना। उस दिन मैं बता रहा था मंदिर की क्लास में कि छठा स्कंद जो है भागवतम का, उसके स्टोरीज इतने अमेजिंग है, मतलब ऐसे है कि हर एक टॉपिक के ऊपर आप एक थ्रिलर मूवी बना सकते हो। पहला जो टॉपिक है वो अजामिल वाला है, आपको पता है अजामिल एकदम पापी, पहले अच्छा था व्यक्ति फिर पापी बन गया, फिर एक रात को उसको तीन तीन यमदूत दिखी और चार विष्णुदूत, हमको कभी दिखते हैं नहीं, हमने जो दिन में भूत देखी वही दिखते हैं। मतलब जीव भूत, जीव को भूत भी बोलते हैं, जीव भूता सनातन जो कहता है, तो उनको वैसे दिखा हॉरर मूवी जैसे नहीं, तो रात में एकदम सडनली तीन भूत आ गए हुए और बहुत डरावने होते हुए मुझे, हम सबने देखे तो वो दिखे उसको और विष्णु दिखे, और उसके बाद फिर उसको और टाइम मिल गया भर्ती करने के लिए। तो ये देखिएगा उसका एक जो जीवनी है पाप की तरफ जा रहा था और सडनली उसका टर्न अराउंड हो गया, सडनली उसने भक्ति करना शुरू कर दिया, इतना अमेजिंग चीज है। फिर उसके बाद आता है स्टोरी दक्ष प्रजापति और नारद मुनि का। दक्ष प्रजापति ने 11,000 बच्चे पैदा किए, अब यहाँ के मामा को पता है कि एक बच्चा दो बच्चा पैदा करके उसको मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट होता है ना, उसने 11,000 पैदा किए। अब वो सारे जो बंगल में चले गए मेडिटेशन करने के लिए, और वहां पे आके नारद मुनि ने एक डिवाइस क्लास ले लिया और सबको ब्रह्मचर्य बना दिया, मतलब वो शायद ही नहीं करेंगे, तो दक्ष को कितना बुरा लगा हो है ना, तो वो स्टोरी आती है। फिर तो उसके बाद आती है चित्रकेतु उत्तरासुर की, चित्रकेतु करके एक बहुत अच्छा भक्त होता है, उसके ऐसा लिखा है कि उसके 1 करोड़ दीनियां थी, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो एक संभालना मुश्किल है। पर ऐसे लिखा है कि भागवत में लिखा है, आप चैत्र छठा स्कंद पढ़ी, उसमें उसके करोड़ों बीवियां थी और एक भी पुत्र नहीं था, तो यज्ञ कर रहा था और रो रहा था कि मेरे पुत्र नहीं है, तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि आए, तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम, बोला जी मेरे को पुत्र नहीं है, पहली बार सिर्फ अंगिरा मुनि आए, तो उन्होंने बोला कि अरे तेरे भविष्य में लिखा ही नहीं कि तेरे को पुत्र होगा, तो नहीं नहीं मुझे पुत्र चाहिए, तो फिर वो कुछ फल दे देते, बोल तुम्हारे एक पत्नी को दे दो उसको पुत्र हो जाएगा, पर वही पुत्र तुम्हारे सुख का और दुख का कारण बनेगा। दोस्तों सच पता नहीं कुछ नटखट बच्चा पैदा होगा मेरा सुनेगा नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ, तो उसने अपने एक बीवी को पी दे खीर, वो कैरामल खीर। तो वो खीर खा के एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया हर्ष शोक। अब क्या हुआ कि जो बाकी पत्नियां थी, बाकी 99,00,000 पत्नियां थी, 99,99,000 उनको हो गया अभी द्वेष, यार हमारे तो ध्यान ही नहीं था, सिर्फ हर्ष शोक करता है, उसकी माँ की तरफ देखता है। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी करके उस बच्चे को विष पिला दिया, तो जो भी बच्चा था वो भी मर गया। अब इसको इतना शोक हुआ, वो हैंडल ही नहीं कर पाए, तो वापस फिर मैं अंगिरा मुनि और नारद मुनि आए और उन्होंने बोला कि मैं तू पहले बता दे तुम्हारी पुत्र का, तो फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं नहीं मेरा बेटा रो रहा था। तो फिर नारद मुनि वो बच्चे को उसकी डेड बॉडी होती उसको उठा दिया, और वो बच्चा उठ के बोला कि बच्चा उठ गया हो, तो उसने बोला कि तुम्हें कोई शौक नहीं, तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ के जा रहे हो, तो कौन सी मम्मी पापा, इस जीवन में मेरे ये मम्मी पापा थे, अगले जीवन में कोई और होगा, पिछले जन्म में कोई और था, ऐसे बोल के वो चला गया। तो चले जाने के बाद फिर चित्रकूट को लगा रहे बराबर है, फिलोसफी बराबर है, वही फिलोसफी जो पहले बता रहे थे वो समझ नहीं पाया, तो उसके बाद फिर वो समझ गया, अच्छा भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया, और टहल रहा था एक फिर हवा से,
देखा कि शिव जी और पार्वती लेक्चर दे रहे हैं, और कैसे लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ पे शिव जी बैठे और उनकी गोद में पार्वती बैठी और सामने सारे साधुगण बैठे हैं, और किसके ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, त्याग के ऊपर। चित्रगुप्त ने बोला कि अरे ये तो सिर्फ शिव जी कर सकते हैं, ये शिव जी के गोद में बैठे पार्वती फिर भी त्याग के ऊपर लेक्चर दे रहे, तो वो हंसे मुस्कुराए ऐसे। तो शिव जी ने कुछ बुरा नहीं माना, तो साधुओं ने भी कुछ बुरा नहीं माना, और पार्वती को बहुत बुरा लगा क्योंकि अपने के बहुत शुद्ध बहुत समझते थे, तो श्राप दे दो तो तुम राक्षस बन जाओ। वो तुरंत राक्षस बन गए वृत्रासुर के। अब वृत्रासुर के शरीर में थे, शरीर क्या था, राक्षस का था, बट चित्त क्या था, शुद्ध भक्त का। ये स्टोरी आती, फिर इंद्र और उसकी फाइटिंग होती है, और इतना बड़ा राक्षस है वो कि वो इंद्र घबरा जाता है। उसके पास एक वज्र है जो कृष्ण दधीचि मुनि की हड्डी हड्डियों से बना है, फिर भी वो डर जाता है, और वृत्रासुर उसको बोल रहा है तुम क्यों डर रहे हो, फाइटिंग करो, अपने फल की अपेक्षा मत करो। एकदम बहुत सुंदर लेक्चर होता है। तो ये ऐसा स्टोरी आता है, और फिर लास्ट में स्टोरी आता है दिति और इंद्र के बारे में। तो आप देखेंगे तो पूरे सारे जो टॉपिक्स हैं थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, एकदम अमेजिंग टॉपिक्स। इसको पढ़ेंगे तो फिर मूवी देखने की इच्छा भी नहीं होती ऐसे। तो जब ऊपर वाला टेस्ट मिलता है नीचे वाला टेस्ट की जरूरत है ऐसे, तो ये बता रहे हैं। ये समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया या ना आ गया तो अभी इसके बाद तो नहीं बता सकता मैं। हम आगे बढ़ेंगे अभी, इसके ऊपर एग्जाम रखूंगा फिर कोई कोई फोन करके प्रभु जी क्या है ना उस दिन मेरा ध्यान नहीं था। अरे ये क्या पता स्मरण आत्मिका, मेरा स्मरण भी नहीं रह रहा है। और फिर लास्ट में बोल रहे हैं त्यागात शांति अनंतरम, मतलब क्या, त्याग करने से क्या होता है, शांति। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रोक करते हैं, आगे से फिर हम देखेंगे बाकी के जो 8 श्लोक बचे हैं वो गुण के बारे में बताएं, ऐसे गुण जो कृष्ण को के अच्छे लगते, कौन से अच्छे लगते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन भक्तों को कुछ प्रश्न तो नहीं है, बोले को पता नहीं क्या समझाया आपने। हरे कृष्ण प्रभु, एक बार बार इसे आवाज नहीं आती, पता ऑफिस को प्रभु जी एक बार सीक्वेंस में फिर से बताइए। हाँ सीक्वेंस आपको बोर्ड दिख रहा है क्या, अभ्यास से बड़ा ज्ञान है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड अभ्यास से बड़ा ज्ञान, हाँ नहीं दिखाई दे रहा प्रभु जी, अब ओरली बता दीजिए ना प्रभु जी, ओरली बताइए, शॉर्ट में बताइए पर सीक्वेंस में। 8वें श्लोक में जहाँ पे बोला है कि मन के तुम्हारा मन मुझे लगाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मरण आत्मिका भक्ति, ठीक है, मतलब मन को स्पॉन्टेनियसली कृष्ण में लगाना है, ठीक है, शांति 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 अभी तक क्लास खत्म नहीं हो, ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, स्मरण आत्मिका भक्ति, मतलब भगवान में मन लगाना है। दूसरा है 8वें श्लोक में ही बुद्धि यूज करके भगवान में लगाना है, उसको बोलते हैं मनन आत्मिका, मतलब प्लान करना कोई चीज करने के लिए उसके बारे में सोचने, ठीक है। उसके बाद आते हैं साधना भक्ति, इसको अभ्यास योग ही बोलते हैं 9वें श्लोक। 10वें श्लोक में बोलते हैं अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए काम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या गार्लक बनाओ मेरे लिए, भोगा बनाओ वगैरह वगैरह। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो तुम करते हो उसका फल का त्याग करो, जो बोला है 11वें श्लोक। अब 12वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान की उपासना करो, हाँ, और ज्ञान की उपासना नहीं कर सकते तो ध्यान करो, और अगर ध्यान नहीं कर सकते तो फल त्याग करो। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, पर आचार्य बोलते हैं कि जब वो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो मरण आत्मिका भक्ति की बात कर, और जब ध्यान की बात कर रहे हैं वो स्मरण आत्मिका भक्त, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ठीक है। ठीक है माता जी, कुछ हो मेरे हाथ बच गया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतने मैंने पहले बोला सबसे डिफिकल्ट श्लोक है
तो पूरे भगवद गीता में सबसे डिफिकल्ट श्लोक है, और ऐसा कोई श्लोक नहीं। आपको अगर समझ में नहीं है तो रिकॉर्डिंग किया है हमने, मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिए, मुझे मत पूछिए। ज्ञान सहित कर्मों का त्याग करना, ज्ञान लेके कर्मों का त्याग करना, कर्मों का त्याग करना, वही मीनिंग हो गया ना। माता जी पूछ रहे हैं बताओ, सुबह से रात जो भी काम करते हैं तो उसका फल त्याग करना है, जिसके लिए भगवान को प्रेयर करनी पड़ेगी ना सोने के पहले, जो भी आज के फर्ज वाले हैं मैं आपको अर्पित कर दूंगा, काम चालू करने के पहले और बाद में दोनों। हाँ, जैसे अभी आज सुबह उठेंगे तो बोलेंगे जो भी आज मैं काम करने वाले आप ही के लिए कर रहे हो, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर से वो भी भक्ति करना चाहते हैं और वो भी आपके ही अंश हैं, तो वो उनके लिए मैं सेवा कर रही हूँ। इसका मतलब है कि जो अभी कर रहे हो आप ही को फल अर्पित कर, बोलेंगे तो भगवान को कैसे पता चलेगा, आप बोलेंगे नहीं तो भगवान को कैसे पता चलेगा। जैसे प्रार्थना करते हैं, है ना, भगवान मेरे लड़के को आईआईटी में मिलने दो, है ना, ऐसे प्रार्थना करते हैं, लड़की को आईआईटी में मिलने या मेडिकल में मिलने दो। आप बोलेंगे प्रभु जी भगवान तो सर्वज्ञात है ना, उनको तो पता ही है कि मेरे बेटे को लड़के आईआईटी चाहिए, तो बोलने की जरूरत क्या, क्यों प्रार्थना करते हैं? भगवान चाहते कि हम कुछ प्रयत्न करें। अब भगवान चाहते तो अर्जुन को बोल सकते थे, क्योंकि अर्जुन तो आराम से बैठ जा रथ के ऊपर, मैं सबको मारा दूंगा, तुमको सिर्फ बैठना है, कर सकते थे, उसको क्यों काम पे लगाए, क्योंकि भगवान चाहते कि हम भी प्रयत्न करें, अगर बीच में अटक गए तो फिर। इसलिए प्रार्थना का मतलब क्या होता है कि हम भगवान को हमारे जो मन के अंदर है वो बता रहे हैं, भगवान को बताइए, बताने की जरूरत नहीं, पर हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम बता रहे हैं बेटे को मैं एंडेवर कर रहा हूँ। ऐसे जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान को देखने नहीं जाते, भगवान को तो देखो मैं आगे आपको देखूँ, आप देख लीजिए मुझे, हम क्या भगवान को देखेंगे ना, हमारे पास आखी नहीं भगवान को देखने की, इसलिए प्रयत्न कर रहा हूँ, बोलना तो है ही। नहीं, मनन में आएगा, ज्ञान है ना, ज्ञान मतलब इंटेलिजेंस, ध्यान मतलब स्मरण, अभ्यास योग, बोले इसके बाद अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते तो फल त्याग करो, सॉरी फल त्याग करो, ये सीक्वेंस से पढ़िए, देखो 12 को सीक्वेंस से पढ़िए, आप इसे मन में पढ़िए, तब पता चलेगा। जो ज्ञान बोला है ना, ये ज्ञान को इसको रिप्लेस कर दीजिए इससे, और ध्यान को इससे रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको सीक्वेंस पता चलेगा। ठीक है, कोई प्रश्न है आप? ध्यान लगाना है, करेक्ट, ध्यान, ठीक है। ये स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या कर्म फल त्याग करना है, तो क्या फल त्याग करना है? आपने बताया इनकम किया तो जैसे 5% अपन डोनेट कर सकते हैं, भोगा बना सकते हैं, बच्चे तो नहीं करते हैं, तो उन्होंने क्या फल त्याग करना है? तो अगर पढ़ाई करते हैं तो अगर जो रिजल्ट आया मन के जैसे आया, मन में जैसे चाहिए तैसा आया, तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं आया तो क्या बोलना चाहिए? मेरे नसीब भी नहीं था, मैं ऐसे क्या भगवान मैं इतना प्रे किए फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं दिए, इसका मतलब क्या है कि आप समझे नहीं, इसका मतलब रिजल्ट से आसक्त नहीं रहना है। जैसे बोल रहे ना कि सर कर्म निवादिकारस्थि, मतलब जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको जो आया है आपके नसीब के अनुसार आया है उसको एक्सेप्ट करो, और बोले कि थैंक यू भगवान जी इतना ही तो मिले, ऐसे वो हो गया फल त्याग। त्याग मतलब क्या, छोड़ना ही नहीं है, चलो रिजल्ट को जो भी हो रही तो मैं तो जाती हूँ घूमने जाती हूँ, ऐसा नहीं है। त्याग मतलब उससे आसक्त नहीं रहना,
इसलिए डोनेशन क्यों करते हैं लोग, ताकि फिर उस पैसे से आसक्ति कम हो जाए, तो तब आपकी आप डोनेशन मतलब तब आपका पैसों की तरफ आसक्ति कम हो, समझ आ गया स्टूडेंट? नहीं समझ आए तो पैसा इकट्ठा करेंगे, हमारा मोह बढ़ता है, मेरा ये लगे, जब भगवान को देंगे लगे नहीं भगवान का है, वो इच्छा जो है वो जो चेतना है वो डेवलप होगी, एक्चुअली सब भगवान की है ना, हमारा क्या है कुछ भी नहीं, तो पर वो जो चेतना है उसको डेवलप करना है तभी जाकर डेवलप होगी ना, अगर हम तो देंगे नहीं पैसा डोनेट नहीं करेंगे तो फिर होगा ही नहीं कभी, मेरा घर है भगवान का घर, भगवान का घर, इसलिए कभी भी घर बदले तो नॉक करके आना है दरवाजे पे कि भगवान मैं अंदर आया हूँ क्या, पूछना है ये हमारा घर नहीं, हम कभी भी लुढ़क सकते हैं तो किसका रहेगा घर पे, हमारा हम लेके थोड़ी जाएंगे भगवान के, हम तो केयर टेकर है, टेनेंट है भगवान के घर पे, तो इसलिए नॉक करके आना है, ठीक है? और कोई प्रश्न? आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप क्या राधा रानी को पता ही है क्या बात है, ऐसे नहीं बोल सकते, भगवान ये भी देखते कितना एंडेवर कर रहे हैं, जैसे यशोदा माई ने जब प्रयत्न किया उसको बांधने का कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान तो पहले बार में बंधवा सकते थे बट बंधवाए नहीं उन्होंने, बहुत समय तक उनको टेस्ट किया, तो बाद में जब वो बोली उन्होंने मुझे बांधना ही है तब जाके, वैसे ये दो दो उंगलियां जो होती है ना, कि एक होती है भगवान की दया, दूसरी होती है हमारी प्रयास, हमें प्रयास तो करना ही। और कोई प्रश्न? फिर मत जब फ्रेंड नहीं आए तो उसको आपको समझाना पड़ेगा, मुझे सब मेरा नाम सुनने वही बेटर है, उससे ऐसा क्लास मनन करो आप, हाँ नहीं थोड़ा स्लो डिफिकल्ट है मुझे पता है, इसके लिए आपको पहले बताया और काफी विस्तार भी किया, कोई बात नहीं, जितना आपको समझ में आएगा उतना समझ में आएगा, ठीक है? तो चेक करने तो समझ आएगा,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.